प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, कौन कौन सी सरकारें इन्होंने नहीं कराई जो चुनी हुई। आप विश्व का आप लोकतांत्रिक इतिहास पढ़िए, इन नो कंट्री इन द वर्ल्ड हैव इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बीन थ्रोन आउट इन दिस फैशन। यू ऑफर द फर्स्ट यू से 70,000 करोड़ का घपला हुआ है, उसको हम तुरंत ही जेल भेजने वाले हैं, फिर उसको आप चीफ डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, वो आपके दल में आ जाता है, और फिर आप जो 10th शेड्यूल है उसको लागू नहीं होने देते क्योंकि स्पीकर भी कब्जे पे हैं, पेपर गेम के अपने हैं, पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते, कोई बोले तो माइक बंद कर देते हैं, 146 लोग सस्पेंड कर देते हैं, फाइनेंस बिल में जो केवल मनी बिल पास होना होता है उसमें और बिल लगा के फाइनेंस बिल के द्वारा पास कर देते हैं, और पीएमएलए में अमेंडमेंट भी ऐसे पास हुई ताकि राज्यसभा में वोटिंग ना हो पाए। तो पार्लियामेंट में कब्जा, एग्जीक्यूटिव का कब्जा है ही है, गवर्नर का कब्जा, इलेक्शन कमीशन का कब्जा, वाइस चांसलर का कब्जा, तो लोकतंत्र में रहा क्या है? क्या ऐसा भारत चाहिए? ये विकसित भारत की बात हो रही है? आज मैं एक नागरिक होते हुए ये बात आपको कह रहा हूं, भूल जाओ पॉलिटिक्स, भूल जाओ आप पॉलिटिक्स, भूल जाओ आप, बताओ कि आपकी जिंदगी जिंदगी में क्या बेहतरी आई है? जहां तक एजुकेशन का सवाल है वहां पैसा कम देते हैं, बाकी देशों में आप चले जाओ कहीं भी चले जाओ, the expenditure on education is something between 9 to 12% of GDP. It is less than 4% here. It is 3.2 odd%. स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है स्वास्थ्य की, और एक आम आदमी को और एक एक परिवार को क्या चाहिए? They want health care and they want education. अच्छा, और दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपना रही है, वो तो अपनाएगी कि उनके पास तो संख्या लोगों के है नहीं, तो नेचुरली दे डोंट हैव पीपल टू डू देयर जॉब, सो दे आर मूविंग टुवर्ड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जो जॉब आदमी नहीं कर सकता उनके पास है ही नहीं तो वो मशीन करेगी। हमारे पास तो आदमी ही आदमी है, महिलाएं ही महिलाएं हैं, हमारी वर्कफोर्स इतनी है, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के दिन में आपको क्या हो रहा है कि आप चले जाओ बेंगलोर में चले जाओ, हैदराबाद में चले जाओ, वहां लोग हायर नहीं कर रहे कंपनीज, क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, क्योंकि उनको कंपीट करना है विश्व में, तो वहां पीपल आर नॉट गेटिंग जॉब्स, इनफैक्ट पीपल आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड, इवन इन अ सेक्टर विच इज अ वेरी रोबस्ट सेक्टर विच इज 59% ऑफ द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री, द सर्विस सेक्टर इज 59% ऑफ द जीडीपी ऑफ दिस कंट्री, and the service sector is the one that absorbs all the educated people in this country, right? And the agricultural sector only contributes about 16 to 18%, and the balance is by manufacturing. aur manufacturing ye kya karte hain, main se puchna chahte hu, aapka jo mobile phone hai yahan manufacture to nahi hota, yahan wo hota hai, iske parts इकट्ठे किए जाते हैं फिर एक्सपोर्ट, फिर बात करें हमने देखो इतने मोबाइल फोन एक्सपोर्ट कर लिए, पर मैन्युफैक्चर तो होते ही ना है यहां, तो मैन्युफैक्चर चाइनीज कंपनी या बाकी लोग कंपनी करते हैं। आपको मालूम है कि आपके टेलीकॉम सेक्टर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होती हो, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर होता हो, टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूं, विच इज डूइंग वेरी वेल बिकॉज इट्स अ सर्विस। सैमसंग ना, इट इज सैमसंग, नॉट आर मैन्युफैक्चरिंग, नो योर मिस्टेक, हाँ कंपोनेंट, दे डोंट मैन्युफैक्चर द फोन व्हिच आई एम सेइंग टू यू, वन सेकंड होल्ड ऑन, कैन यू, आर यू अ बीजेपी मैन, जस्ट वेट दे वेट टिल आई फिनिश माई कॉन्फ्रेंस, आस्क मी एनी क्वेश्चन, यू आर नॉट सपोज टू आस्क मी एनी क्वेश्चन व्हाइल आई एम सेइंग ऑल दिस, ओके? So let's be clear upon it. What is this gate manufacturing story?
I want to know. Which are the big things that they are manufacturing in India? All the, your power equipment is coming from China. All your Vivos and others are all Chinese players. What are you talking about? Your entire power sector, all the machines, everything is coming from China. So let's be clear. What? That's why there is unemployment between the ages of 25 to 30. The unemployment rate is 46%. And between 20 and 30, it is 29%. And if there were manufacturing taking place, where would that, wouldn't there be jobs in this country? What are we talking about? What we manufacture are textiles. And we export that. Clothing, we export that. These are the kinds of things we manufacture. We manufacture some low-end equipment also. True. But our exports have not gone up. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.